हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, पटना में अभी मैं दरोगा प्रसाद राय पथ के पास हूँ फ्रेंड्स, और एक और चकाचक अंडरपास बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप अंत तक बने रहे, आपको बताऊंगा कि ये जो है अंडरपास जो है कहां पर बनकर तैयार है और कहां जाकर मिलेगा। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ूँ से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, ये जो है अंडरपास जो है दरोगा पथ राय जो रोड है, यहां से स्टार्ट होकर फ्रेंड्स मैं बता दूं कि हड़ताली मोड़ जो है बेली रोड में जाकर ये अंडरपास कनेक्ट होगा। और खास बात फ्रेंड्स ये है इस अंडरपास का कि आप देख सकते हैं जो कि ये अप एंड डाउन दोनों तरफ से अंडरपास है और ये बनकर पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही इसको चालू कर दिया जाएगा, बस उद्घाटन करने के लिए केवल बेली रोड के पास जो है इसका जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस का काम है जिसको पूरा करके इसको चालू कर दिया जाएगा। चालू कर देने से आपको मैं बता दूं कि जो पटना में ट्रैफिक बेली रोड जो जाम रहता है उससे काफ़ी समस्या का समाधान मिलने वाला है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है अंडरपास ब्रिज जो है बनकर तैयार है, जैसा कि आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं फ्रेंड। जो कि ये सीधे जो है फ्रेंड मैं बता दूं कि ये हड़ताली मोड़ के पास जो है कनेक्ट होगा। और ये बता दूं कि बीच में जो है मछली मार्केट भी है और उसके जस्ट ऊपर जो है ये जो है अंडरपास ब्रिज जो बनाया गया है। और उधर से अप एंड डाउन ये दोनों तरफ से ये खूबसूरत अंडरग्राउंड जो है अंडरपास जो है बनाया गया है, जिससे कि आपको मैं बता दूं कि जल्द ही इसको आपको तैयार हो चुका है और जल्द ही इस पर चलने का आपको मिलने वाला है मौका। तो फ्रेंड्स, ये पटना का सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट आपको मैं देने जा रहा हूं कि पटना अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है अभी क्षेत्र में काफ़ी विकास और काफ़ी तरक्की कर रहा है, जैसा कि आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सामने में जो आप देख रहे हैं ये जो है आपको बता दूं कि ये जो है हड़ताली मोड़ के पास है, जो सामने में आपको दिखेगा ये मछली बाज़ार के बाद जो है आपको ये बेली रोड में दिखेगा और ये बेली रोड से कनेक्ट है। और ये मैं बता दूं कि ये बेली रोड से कनेक्ट है, उधर से आपको दरोगा पथ राय जो इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो है फ्रेंड्स ये कनेक्ट होगा। और यहाँ से सीधे आपको अगर आप गोलंबर की तरफ से आएंगे, इनकम टैक्स गोलंबर की तरफ से आएंगे तो सीधे आप जाके हड़ताली मोड़ बेली रोड में मिल जाएंगे। और बेली रोड से अगर आप कनेक्ट होंगे तो सीधे आपके आकर ये आपको गोलंबर के पास जो है दरोगा पथ राय में मिल जाएंगे। और यहाँ से आपको मैं बता दूं कि इनकम टैक्स की ओर जा सकते हैं, पटना जंक्शन की ओर जा सकते हैं, मीठापुर जा सकते हैं, आपको और भी मतलब एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, एक बहुत ही बढ़िया अंडरपास बनाया गया है जिसको आपको देखकर मन खुश हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस अंडरपास का। और ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत अंडरपास है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही अगर आपको लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पटना का, लेटेस्ट प्रोजेक्टों का, मेट्रो का और लीगल से जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बोले ताकि जो भी मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। फिर मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के, सबसे लगे जय हिंद।